नैना माता मंदिर के सामने एक गुफा बनी है, आइए आपको इसको दिखा। अभी भव्य लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसे छाते से सजाया गया है। ये प्रतिमा दोस्तों तेल और इलायची से बनी हुई है, आपको दिखाते हैं। और यहाँ का एंट्रेंस लुक काफी सुंदर, पूरा पंडाल नारियल से बनाया गया हुआ है माँ के दरबार का। यह है गवड़िया पुल, आइए आपको लखनऊ नाका स्थित इस पंडाल के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर जो रक्त बीज था उसके वध के बारे में यहाँ पर चित्रण किया जाता है मूर्तियों के द्वारा और बताया जाता है उसकी कहानी को। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर देवी माँ की तीन मूर्तियाँ हैं और रक्त बीज की मूर्ति है और काली मैया की भी मूर्ति है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जब कार्यक्रम चलता है तो ये तीनों मूर्तियाँ मशीन के द्वारा चलाई जाती हैं और ऑपरेट किया जाता है इनको। तो ये पंडाल आपको लखनऊ नाका में मिल जाएगा, लाल गोदाम रोड पर सुल्तानपुर में नैना माता मंदिर के सामने एक गुफा बनी है, आइए आपको इसको दिखा दो। नमः। गवड़िया पुल के पास ये माँ नैना माता का दरबार है, आइए आपको दिखाते हैं, जिसमें शंकर भगवान के जटाओं से ये गंगा की धार गिर रही है यहाँ पर। और अंदर चलेंगे तो माँ का ये भव्य रूप आप देख रहे हैं। पर आपको नारियल का वो दिख जाएगा दोस्तों, ये नारियल से बना हुआ है, उसके बाद एक घड़ी लगी हुई है और ये पूरा पंडाल फिर सजाया गया हुआ कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। आगे फाउंटेन चल रहा है और पीछे पंडाल बना हुआ है और सब्जी मंडी से ठीक पहले कुछ इस प्रकार है। तो एंट्री करते हैं, यहाँ से एंट्री है और आपको सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा दिख जाएगी और ये नारियल के पेड़ में लटका हुआ ये नारियल दिख जाएगा। तो कुछ एंट्री इस प्रकार होने वाली है दोस्तों, देख सकते हैं ये पूरा पंडाल नारियल से बनाया गया हुआ है माँ के दरबार का। ये देख सकते हैं ये पूरा पंडाल लाइटों से जगमग, ऊपर चिड़िया बनाई गई हुई हैं और इसके बगल बगल साइड में आपको नारियल देखने को मिल जाएगा। पीछे शंकर जी की प्रतिमा है और आगे ये परशुराम जी हैं शायद और ये माता लक्ष्मी जी हैं। तो यह कुछ इस प्रकार का ये होने वाला है, माँ बड़ी दुर्गा महारानी पीछे वो लगा हुआ है जो ठठेरी बाजार की प्रतिमा है। उसके बाद ये देख सकते हैं पूरा पंडाल माँ मगरमच्छ पर सवार हैं, तो कुछ इस प्रकार ये पंडाल होने वाला है। इससे ठीक आगे आप देख सकते हैं ये फाउंटेन लगा हुआ है, ये फाउंटेन इस पंडाल के जस्ट आगे लगा हुआ है और ये रोड है जो हाईवे गया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से ये पंडाल है दोस्तों, आगे चलते हैं और पंडाल के बारे में आपको बताते हैं। चौक से पहले एक पंडाल हमें दिख गया है, आइए आपको कवर करते हैं इसके और दिखाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। माँ सरस्वती पूजा सीमित है सब्जी मंडी चौक। अभी हम बढ़ रहे हैं गुड़ मंडी की तरफ और यहाँ भी एक भव्य पंडाल है, आइए आपको करीब से दिखाते हैं। ये रास्ते को काफी बढ़िया से सजाया गया हुआ है। अभी हम हैं माँ विराट दुर्गा पंडाल पर जो 2024 स्वर्ण जयंती वर्ष 2024 है, ये प्रतिमा आप देख रहे हैं। पंडाल जो आप देख रहे हैं ये बाहुबली मूवी के महिष्मती महल की तरह बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना भव्य और बहुत बड़ा बना हुआ है दोस्तों। तो आइए आपको इसको नज़दीक से दिखाते हैं माँ
अन्नपूर्णा भवन है। माँ अन्नपूर्णा भवन और इधर पब्लिक वहाँ से देखती है और वहीं पर प्रसाद वितरण किया जाता है। वीडियो बनाने वाले को एंटर एंट्री मिल जाती है, देख सकते हैं आप। और इधर की डेकोरेशन देखिए कितना मस्त है, ये काली माँ के हम आपको ले चलते हैं पयागीपुर चौराहे के पास। एक भव्य पंडाल सजा हुआ है वहाँ पर। तो हम पहुँच चुके हैं पयागीपुर स्थित भव्य पंडाल में, जो जय माँ विंध्यवासिनी पंडाल माता समिति के नाम से है। तो ये पयागीपुर में देख रहे हैं लाइटिंग की कितनी मस्त व्यवस्था की गई है और पंडाल भी काफी बड़ा है। आप पास चलकर आपको दिखाते हैं और ये माता के दर्शन करवाते हैं आपको। आइए आपको माँ के दरबार में और थोड़ा निकट ले चलते हैं और दिखाते हैं थोड़ा नजदीक से इनकी प्रतिमा को। ये आपको गवरिया पुल के नीचे स्थित पंडाल कमरू कामाख्या माता पूजा समिति में आपको दर्शन करवाते हैं और पंडाल दिखाते हैं। तो अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ का एंट्रेंस लुक काफी सुंदर और अच्छा है। जो यहाँ की लाइटिंग है और डेकोरेशन है वो अति उत्तम है। तो यहाँ से एंट्री करते हैं। आप एंट्री करने के बाद ऐसे लाइन से आएंगे और यहाँ पर माँ का भव्य दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं आप। और ये पंडाल कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से डेकोरेट किया गया है और लाइटिंग भी देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया यहाँ पर लाइटिंग की गई है। और यहाँ पर आप माता के नव रूप को देख सकते हैं। सुल्तानपुर माता के दर्शन को आए हुए समस्त दर्शनार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। तमन्ना लाश करते हैं, तमन्ना टूट जाती है, वही दरबार जाते हैं जिन्हें माता बुलाती है। दरबार चौक से हम चलते हैं अब शाहगंज की तरफ, जहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया पंडाल दिखाई देगा जो छातों से सजाया हुआ है। पूरा ये एरिया काफ़ी भव्य लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से इसे छाते से सजाया गया है। यहाँ पे गली में माँ पार्वती पूजा समिति बाटा गली में और दूसरा पंडाल
अब हम पहुंच चुके हैं ठठेरी बाजार स्थित बड़ी दुर्गा पंडाल में, जो काफी भव्य बना हुआ है ये भी। और सजावट की बात करेंगे तो वो भी काफी मस्त है, और पंडाल तो मस्त है ही। चलिए दिखाते हैं सुल्तानपुर की सबसे पुरानी पंडाल मूर्ति। ये प्रतिमा दोस्तों तेल और इलायची से बनी हुई है, आपको दिखाते हैं। ये जो पैर है शेर का और ये मुंह है, ये बजाज तेल है, और ये जो लाल लाल आपको माँ का चुनरी दिख रहा है ये इलायची है। तो कुछ इस प्रकार ये प्रतिमा बनी हुई है जो गोलाघाट के पास है। चंदन की लकड़ी से बनी यह प्रतिमा, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये प्रतिमा चंदन की लकड़ी से बनी हुई है, माँ दुर्गे की ये प्रतिमा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो पूरा व्हाइट कलर में दिख रहा है ये चंदन की लकड़ी है, और इसी से ये प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और ये प्रतिमा सीताकुंड घाट जाते टाइम ये पड़ता है, तो इसका भी आप दर्शन कर लीजिए। अगर आप आए हो सुल्तानपुर तो कमेंट करके बताइएगा।